भोपाल से मुझे राहत इंदौरी साहब भोपाल से हैं, तो उनके गजल के कुछ शेर, मैं गजल के एक शेर इसलिए कह रहा हूं मैं कि मैं अब अमर त्रिपाठी जी को आमंत्रित कर रहा हूं, जो अखबार से अवस्था हैं, पत्रकार रहे हैं, और मुझे राहत इंदौरी साहब का एक शेर, एक मतलब शेर कह रहा हूं कि तेरे वादे की तेरे प्यार की मोहताज नहीं। वाह वाह भाई वाह। तेरे वादे की तेरे प्यार की मोहताज नहीं, ये कहानी किसी किरदार की मोहताज नहीं। और लोग होठों पे सजाए हुए फिरते हैं, त्रिपाठी जी, लोग होठों पे सजाए हुए फिरते हैं, मेरी शोहरत किसी अखबार की मोहताज। बहुत अच्छी गजलें भी कहते हैं, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अमर त्रिपाठी जी को। तहजीब का बहुत बहुत शुक्रिया, और गुलशन मदान जी के संचालन में पढ़ने का जो आनंद है, अक्सर मैं देखता हूँ कि मंचों पे लोग जो पीछे बैठे थे बड़े खामोश होते हैं, लेकिन यहाँ जिस तरह से लोग इनकरेज करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, वो इस कार्यक्रम की खासियत है। तुम्हें जब प्यार आ जाए तो खुलकर वार हो जाना, तुम्हें जब प्यार हो जाए तो खुलकर यार हो जाना, यकी हो जाए इस दिल पे तो हद से पार हो जाना। वाह वाह भाई वाह। तुम्हें जब प्यार हो जाए तो खुलकर यार हो जाना, यकी हो जाए इस दिल पे तो हद से पार हो जाना। मोहब्बत में यही एक बात हमने आज तक समझी, मोहब्बत में यही एक बात हमने आज तक समझी, जिसे चाहा उसी पे कर भरोसा, वार हो जाना। मैं जिस दिन लखनऊ आऊं, मोहब्बत दिल के लिए सारी, मैं जिस दिन लखनऊ आऊं मोहब्बत दिल के लिए सारी, गले लगना सभी हद तोड़ सीना पार हो जाना। वाह भाई वाह। गले लगना सभी हद तोड़ सीना पार हो जाना। मुझे जी भर के देखो पर नहीं तोड़ो, छो हरगिज, मुझे जी भर के देखो पर नहीं तोड़ो, छो हरगिज, मैं हूं गुल जिंदगी जिसकी है, खिल महकार हो जाना। वाह वाह भाई वाह। बिना विश्वास के रिश्ता कोई भी होता बेईमानी, बिना विश्वास के रिश्ता कोई भी होता बेईमानी, भरोसे के बिना जीवन का तय दुश्वार हो जाना, भरोसे के बिना जीवन का तय दुश्वार हो जाना। छुअन फूलों की हो कांटों की या झरबेरियों की हो, छुअन फूलों की हो कांटों की या झरबेरियों की हो, हमें आता है पतझड़ के दिनों गुलबार हो जाना। वाह वाह भाई वाह। हमें आता है पतझड़ के दिनों गुलबार हो जाना। अमर होकर के आए हैं जवानी में समझते थे, अमर होकर के आए हैं जवानी में समझते थे, उम्र के साथ समझे होता है क्या, ख्वार हो जाना। ख्वार हो जाना। एक गजल और पढ़ता हूं मैं। निखर के रंग उनके आने लगे हैं, निखर करके रंग उनके आने लगे हैं, हमी को वो अखियां दिखाने लगे। वाह वाह भाई वाह। निखर करके रंग उनके आने लगे हैं, हमी को वो अखियां दिखाने लगे हैं, जवानी में मरते थे हम पर भी कितनों, जवानी में मरते थे हम पर भी कितनों, मगर अभी सब, मगर अब सभी दूर जाने लगे हैं, मगर अब सभी दूर जाने लगे हैं। खिलाया था गोदी में दिन रात जिनको, अब उनके ही कर्तव्य रुलाने लगे। खिलाया था गोदी में दिन रात जिनको, अब उनके ही कर्तव्य रुलाने लगे हैं। जब उड़ते थे तब एक सुनी ना किसी की, जब उड़ते थे तब एक सुनी ना किसी की, गिरे तो अकल से ठिकाने लगे। नशा क्या मोहब्बत का तीखा नशा था, नशा क्या मोहब्बत का तीखा नशा था, भुलाने में जिसको जमाने लगे। गई कुर्सी तो फोन आया था उनका, गई कुर्सी तो फोन आया था उनका, तो क्या हम उन्हें याद आने लगे। जुबा बन के तलवार मैदान में आए, जुबा बन के तलवार मैदान में आए, तो समझो बुरे दिन अब आने लगे। वाह वाह भाई वाह। सुधरना उन्हें रास आया नहीं तो, सुधरना उन्हें रास आया नहीं तो, बुराई से नाता बढ़ाने लगे। वाह वाह भाई वाह।
मिलो तो कभी फिर बताएंगे तुमको, मिलो तो कभी फिर बताएंगे तुमको कि क्यों ऐसे हम गुनगुनाने लगे। मिलो तो कभी फिर बताएंगे तुमको कि क्यों ऐसे हम गुनगुनाने लगे हैं। जो थे कल तलक दूर और उखड़े उखड़े, जो थे कल तलक दूर और उखड़े उखड़े, वो नजरे मोहब्बत दिखाने लगे। अमर याद रखना वही देंगे धोखा, अमर याद रखना वही देंगे धोखा, जो सीने में हद से समाने लगे। बहुत सुंदर रचनाएं अमर त्रिपाठी जी कह रहे थे। अब मैं जिस शायर को आमंत्रित कर रहा हूं, उनकी गजलों में विविधता है, प्यार है, खुशबू है, रंग है, फूल हैं, कांटे हैं, दर्द है, हर तरह की गजलें कहते हैं। और उनके लिए मैं एक शेर के साथ आमंत्रित कर रहा हूं उन्हें। एक फकीराना अदा तेरी गजल, मेरी मुराद राकेश शर्मा जी से है, पहले भी हम सुन चुके हैं उन्हें, तो आज एक बार फिर। एक फकीराना अदा तेरी गजल, खूबसूरत सी अदा तेरी गजल, हर गजल है मुस्कुराने का शऊर, हर गजल है मुस्कुराने का शऊर, अश्क पीने की कला तेरी गजल। अश्क पीने की कला तेरी गजल, खूबसूरत गजलें कहते हैं श्री राकेश शर्मा जी। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ मंच पर आए। बहुत शुक्रिया कृष्ण मदाल जी, आपने तो जो है तारीफ में बहुत ज्यादा तारीफ कर दी, ऐसा मुझे लग रहा है। दरअसल ये जो तहजीब की ये जो गजल की महफिल है, ये भी बहुत रंग बिरंगी और गंगा जमनी जो है महफिल है, और इसमें आने में बड़ा जो है ना अच्छा लगता है कि बहुत सी बहुत तमाम तरह की चीजें सुनने को मिलती हैं। तो एक देखिए छोटी एक बहर की गजल शुरू कर रहा हूँ, और शायरी और की ही बात है, दरअसल शायरी की जरूरत क्यों है, क्या है, वहां से शुरुआत है कि जिंदगी जब तलक अधूरी है, जिंदगी जब तलक अधूरी है, शायरी तब तलक जरूरी है। जिंदगी जब तलक अधूरी है, शायरी तब तलक जरूरी है कि चोर है वो नजर में भूखे की, चोर है वो नजर में भूखे की, जिसकी थाली में हलवा पूरी है। चोर है वो नजर में भूखे की, जिसकी थाली में हलवा पूरी है, कि जिसके दम पे है शान सेठों की, जिसके दम पे है शान सेठों की, मेरी हड़पी हुई मजूरी है। वाह वाह भाई वाह। शेर देखिए कि बेअदब मुझको वो बताते हैं, बेअदब मुझको वो बताते हैं, जिनकी तहजीब जी अजूरी है। अरे बाप रे। और फासलौकी न पूछिए साहब, शेर देखिए जरा, एक रवायती शैली का शेर है कि फासलों की न पूछिए साहब, कुर्बतों में भी एक दूरी है। वाह वाह भाई वाह। कि फासलों की न पूछिए साहब, कुर्बतों में भी एक दूरी है। आखिरी शेर है कि रात दिन नापता हूँ सड़कों को, रात दिन नापता हूँ सड़कों को, मुझ में एक शेर शाह सूरी है। देखिए गजल और देखिए जी, इसी तरह का एक रंग जो है कि बढ़ती जाती है बेकली दिल की, बढ़ती जाती है बेकली दिल, बढ़ती जाती है बेकली दिल की, यह भी साजिश है कोई कातिल। बढ़ती जाती है बेकली दिल की, यह भी साजिश है कोई कातिल की, तो होंठ सीकर अदीब बैठे, होंठ सीकर अदीब बैठे हैं, चल रही है जुबान जाहिल की, होंठ सीकर अदीब बैठे हैं, चल रही है जुबान जाहिल की, कि गाने वालों पे रोना आता है। फिर देखिए गुलशन जी, कि गाने वालों पे रोना आता है, ऐसी हालत हुई है महफिल, गाने वालों पे रोना आता है,
ऐसी हालत हुई है महफिल की कि सारी कदरें मिली है मिट्टी में, सारी कदरें शेर देखिए कि सारी कदरें मिली है मिट्टी में। क्या बात है, वो तरक्की जहाँ ने हासिल की, कि उसका चलना भी कोई चलना है, उसका चलना भी कोई चलना है, जिसको सुदबुद नहीं है मंजिल की। क्या बात, क्या शेर देखिए, गम का बायस बनी है वो अक्सर, गम का बायस बनी है वो अक्सर, जो खुशी जिंदगी में शामिल की। लाश खोरों की एक दावत थी, लाश खोरों की एक दावत थी, वो अदावत फिजूल करगिल की। लाश खोरों की एक दावत थी, वो अदावत फिजूल करगिल की, कि बढ़ती जाती है बेकली दिल की, यह भी साजिश है कोई कातिल की। एक गजल और जो है कि न हमको जात से निस्बत, न हमको जात से निस्बत, न दीनी सोच रखते हैं, न हमको जात से निस्बत, न दीनी सोच रखते हैं, जमीनी आदमी है हम, जमीनी सोच रखते हैं, न हमको जात से निस्बत, न दीनी सोच रखते हैं, जमीनी आदमी है हम, जमीनी सोच रखते हैं। शेर देखिए, गड़ा इंसान के सांचे में जिसने प्यार से हमको, गड़ा इंसान के सांचे में जिसने प्यार से हमको, उसी मिट्टी की बूसी भीनी भीनी सोच रखते हैं। गड़ा इंसान के सांचे में जिसने प्यार से हमको, उसी मिट्टी की बूसी भीनी भीनी सोच रखते हैं, कि सियासत कौम की किस्मत बदलने का वसीला है। शेर देखिए, कि सियासत कौम की किस्मत बदलने का वसीला है, वो क्या समझे सियासत जो कमीनी सोच रखते हैं। सियासत कौम की किस्मत बदलने का वसीला है, वो क्या समझे सियासत जो कमीनी सोच रखते हैं, कि इरादा दूर से हम भांप लेते हैं रकीबों का, इरादा दूर से हम भांप लेते हैं रकीबों का, है दूरंदेश यारो दूरबीनी सोच रखते हैं, है दूरंदेश यारो दूरबीनी सोच रखते हैं। शेर देखिए, हर एक मुखड़ा नजर आता है हमको नूर का टुकड़ा, नजर आता है हमको नूर का टुकड़ा, जमी के चांद है हम, मैं जमीनी सोच रखते हैं, जमी के चांद है हम, मैं जमीनी सोच रखते हैं, कि हमारी रूह पर पहरा है बेशक सात तालों का, सात कुंडली जो होती है हमारी रूह पर, बेशक हमारी रूह पर पहरा है बेशक सात तालों का, है दिल आजाद जिसमें जीनी जीनी सोच रखते हैं। आखिरी शेर, हमारे शेर औरों से अलग है, हमारे शेर औरों से अलग हैं, जानते हो क्यों, हमारे शेर औरों से अलग हैं, जानते हो क्यों, नजरिया हम नया ताजा तरीनी सोच रखते हैं, न हमको जात से निस्बत, न दीनी सोच रखते हैं, जमीनी आदमी है जमीनी सोच। अभी आप मशहूर गजलकार राकेश शर्मा जी को सुन रहे थे, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अर्थपूर्ण और भाव प्रधान गजलें उन्होंने पेश करी, और बहुत ही खूबसूरत समा बना दिया है आज यहाँ पर डिवाइन मेलोडीज के तहजीब के कार्यक्रम में। चलिए, अब एक ऐसे शख्स को आपके सामने पेश करता हूँ जिसने आज के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई और इस कार्यक्रम को गजलों का गुलदान नाम दिया, और बिल्कुल सार्थक हुआ है आप आज ये नाम, आप सभी सहमत होंगे, और सभी गजलकार हैं, कोई भी किसी ने भी कविता या गीत वगैरह नहीं पेश किया है, और सच कहता हूं कि जितने कार्यक्रम आज तक हुए ये मुझे सबसे अच्छा लगा आज का, बाकी भी बहुत अच्छे थे, लेकिन एक नजरिया होता है, एक रंग होता है प्रोग्राम का, तो ये प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए, आज हम उन्हीं संयोजक को, उन्हीं संचालक को सुनते हैं जिनका नाम है श्री गुलशन मदान जी, बहुत अच्छे गजलकार हैं, और गजलकार के साथ साथ एक अच्छे संचालक हैं, अच्छे संयोजक हैं, आयोजक हैं, और अच्छे आदमी, और मैं निजी तौर, हाँ, अच्छे आदमी तो है ही, एक कलाकार अगर अच्छा आदमी होता है तभी वो उस मुकाम पे पहुंच पाता है, तो मैं उनकी दिल से इज्जत करता हूँ। कुछ पंक्तियां हैं
उनसे मैं उनको संबोधित करूंगा। न कश्ती है न है पतवार साहब, न कश्ती है न है पतवार साहब, करूंगा फिर भी दरिया पार साहब, कोई गुलदान है हमको सजाना, ले आओ फूल तुम दो चार साहब, ले आओ फूल तुम दो चार साहब। और मुझे लगता है कि वो शख्सियत ऐसी शख्सियत है कि चार पंक्तियों से बात नहीं बनती। मैं एक एक मतलब एक दो शेर पेश करूंगा उनकी खिदमत में, मेरे खुद के हैं ये मतलब मेरा और ये शेर भी मेरे हैं। शेर कहने की आग है मुझ में, मतलब मैं मुझ में कह रहा हूँ लेकिन गुलशन जी के लिए बात है। शेर कहने की आग है मुझ में, एक जिंदा दिमाग है मुझ में, क्या बात है? और तीरगी को हरा के लौटा हूँ, एक जलता चिराग है मुझ में, और रोज रोज कुछ जोड़ता घटाता हूँ, कुछ गुणा और भाग है मुझ में। इसी के साथ मैं गुलशन जी का स्वागत करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ, आए और अपनी खूबसूरत गजलें पेश करें। शुक्रिया अश्विनी जी, इस कार्यक्रम में बहुत सहयोग भी देते हैं और बड़े प्यार से आमंत्रित भी किया। आज जैसा कि बताया कि गुलदान, गजलों का गुलदान हमारा थीम रहा, तो मैं एक शेर मतलब कह रहा हूं, मैं मेरे लफ्जों को कुछ तो मानी दे, मेरे लफ्जों को कुछ तो मानी दे, कोई कविता गजल कहानी दे। क्या बात है। मेरे लफ्जों को कुछ तो मानी दे, कोई कविता गजल कहानी दे, ये है गुलदान रंग खुशबू का, ये है गुलदान रंग खुशबू का, इसको मिट्टी हवा दे पानी। एक मतलब और कह रहा हूं मैं, दर्द के आसपास रहने दे, दर्द के आसपास रहने दे, आज थोड़ा उदास रहने दे, दर्द के आसपास रहने दे, आज थोड़ा उदास रहने दे, और इनसे गुल का वजूद है गुलशन, इनसे गुल का वजूद है गुलशन, चंद कांटे। मैं एक गजल के शेर कह रहा हूं, देखिए आप। हो गए हैं दूर सब जो थे अंधेरे द्वार पर, हो गए हैं दूर सब जो थे अंधेरे द्वार पर, रोशनी ने आजकल डाले हैं डेरे द्वार पर, हो गए हैं दूर सब जो थे अंधेरे द्वार पर, रोशनी ने आजकल डाले हैं डेरे द्वार पर। शेर देखिए, रात भर ये चांद मेरे घर की रखवाली पे था, रात भर ये चांद मेरे घर की रखवाली पे था, और पहरेदार है सूरज सवेरे द्वार पर, चांद मेरे घर की रखवाली पे था, और पहरेदार है सूरज सवेरे द्वार पर, और सांप दुखों के हमारे घर से निकले ही नहीं, सांप दुखों के हमारे घर से निकले ही नहीं, लाख बुलवा कर बिठाए हैं सपेरे द्वार पर, हमारे घर से निकले ही नहीं, लाख बुलवाकर बिठाए हैं सपेरे द्वार पर। शेर देखिए, आज अपने आप पर शर्मिंदगी है क्या करें, आज अपने आप पर शर्मिंदगी है क्या करें, घर में एक पैसा नहीं और है लुटेरे द्वार पर, आज अपने आप पर शर्मिंदगी है क्या करें, घर में एक पैसा नहीं और है लुटेरे द्वार पर, और डाल दी झोली में अपनी हमने अपनी हर खुशी, डाल दी झोली में उसकी हमने अपनी हर खुशी, डाल दी झोली में उसकी हमने अपनी हर खुशी, शख्स पहली बार जो आया था मेरे द्वार पर, रात भर ये चांद मेरे घर की रखवाली पे था, और पहरेदार है सूरज सवेरे द्वार। शुक्रिया, मेहरबानी। मैं एक बार फिर डिवाइन मेलोडीज के इस तहजीब कार्यक्रम के लिए डिवाइन मेलोडीज के प्रोड्यूसर श्री ऋषिराज जी और निदेशक श्री
कृष्ण सेठी जी और सत्यम राज जी और कैमरामैन ऋषभ जी और एडिटर अरुण जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन सब की वजह से यह कार्यक्रम आप तक पहुँचता है। और आपको एक बार फिर गणतंत्र की शुभकामनाएं। धन्यवाद, आभार।